गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अभी फ्रेंड्स बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मेरी नींद खुल चुकी है। आज है मेरे चैलेंज का day 6। आपको पता होगा day 5 तक मैंने पॉज कर दिया था, तो आई थॉट चलो अब day 6 आज से शुरू करते, क्योंकि राखी थी, यू नो, फेस्टिवल रहता है तो आप कहीं ना कहीं थोड़े से डिसबैलेंस हो जाते हो, फिर चाहे वो 1-2 दिन के लिए क्यों ना हो। तो बस सुबह उठकर अपना जो भी रूटीन होता है, फ्रेश अप होके ब्रश वगैरह करके, मैंने सबसे पहले योगा किया, मेडिटेशन। तो अभी ये मेरे नोट्स हैं, हाइलाइटर, पेंस अभी मैं लेके आई बेडरूम से, बिकॉज लास्ट नाइट मैं सो रही थी तो मैंने सोचा चलो बेड पे ही बैठ के पढ़ते हैं। एंड यस, चलो अभी टू डू लिस्ट लिखते हैं। बट उससे पहले मैंने पहले थोड़ा सा पानी पिया, बिल्कुल सुकून से, यू नो, एकदम, मतलब मॉर्निंग टाइम जो होता है ना, कितना स्लो होता है ना, वी फील सो रिलैक्स्ड इन मॉर्निंग। वो तो देख, पता है, दिमाग में भी कचरा जो होता है, क्लटर, वो दिन में नहीं चलना शुरू होता है सुबह सुबह, वो बिल्कुल, यू नो, जब शाम तक, रात तक, तब दिमाग में ज़्यादा चीज़ें चलती हैं। बट मॉर्निंग में तो वी फील सो रिलैक्स्ड, वी फील सो रिलीव्ड कि चलो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैंने टू डू लिस्ट लिखने के बाद शुरू कर दिया है पढ़ना। एंड आज मैं बेसिकली सोशल जस्टिस कर रही हूँ, एंड इसके साथ साथ करंट अफेयर करना है। और आपको पता है फ्रेंड्स, अगस्त मंथ जाने वाला है और मेरा GS2 का सिलेबस अभी भी बचा हुआ है। आई एम रियली थिंकिंग मैं इसे कर लूँ, क्योंकि मेरा ये था कि मुझे अगस्त मंथ में पूरा ख़त्म करना है। मैं आपको बता दूँ, ये सोशल जस्टिस भी आज हो जाएगा, बिल्कुल मैं लास्ट 20 या 25 पेजेस पे हूँ, तो ये हो जाएगा। तो अपने GS2 में होता है पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, IR। तो पॉलिटी हो गया, गवर्नेंस हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, स्टिल ना अभी IR बचा हुआ है फ्रेंड्स। एंड अभी सिर्फ और सिर्फ आपको पता है 10 दिन बचे हैं, मतलब अगस्त मंथ को ख़त्म होने में 10 दिन बचे हैं, और IR की, इंटरनेशनल रिलेशंस की, 2 बुकलेट्स हैं, 2 नोट्स हैं, और मुझे उसे करना है। सिर्फ 10 दिन है मेरे पास फ्रेंड्स अगस्त में, और IR बहुत बड़ा है, तो होपिंग फॉर द बेस्ट, हो जाए अच्छे से सब। सो फ्रेंड्स, ये स्लॉट करने के बाद मैंने फिर ब्रेकफास्ट बनाया सबके लिए एंड खाया। नाउ अगेन आई सेट डाउन टू स्टडी। और होता क्या है ना कि जैसे मैं जैसे ब्रेकफास्ट बनाना होता है, जैसे मैं पढ़ रही हूँ और आप ब्रेक लेते ही हो, लाइक 10-15 मिनट का हम सब ब्रेक लेते हैं, तो जब मैं ब्रेक लेती हूँ फर्स्ट स्लॉट के बाद, तो मैं जाके ब्रेकफास्ट बना देती हूँ, तो मेरा टाइम का लॉस भी नहीं हुआ और मेरा ब्रेक भी हो गया। तो ऐसे करके मैं कर लेती हूँ, तो मुझे भी इंटरेस्ट बना रहता है पढ़ाई में। और अभी ये मेरे पर्टिकुलरली नोट्स हैं जो मैं कर रही हूँ, आप भी देख लो। ये मैं हेल्थ से रिलेटेड पढ़ रही थी, जो कि अपना सोशल जस्टिस में है ना, हेल्थ एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। अभी मम्मी ने मेरे लिए ये एप्पल लाया कट करके। एंड फ्रेंड्स, आपको पता है मैं खुद से नहीं खाती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कितना टाइम है, पहले इसको काटो, पीटो, चॉप करो, फिर खाओ। इसलिए जब मम्मी देती है मैं तभी खाती हूँ। एंड इवेंचुअली आज कैमरा ऑन था तो शूट भी कर लिया, अदरवाइज मतलब ऐसे अल्टरनेट डेज पे मैं खा लेती हूँ, बट शूट का नहीं ध्यान रहता है, क्योंकि फ्रेंड्स देखो अब हर टाइम कैमरा नहीं ऑन रहता है, राइट। तो इसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगाया, अभी यहाँ पे अपना फ़ोन चार्ज में लगाया, क्योंकि फ़ोन चार्ज रहना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप सुबह में चार्ज कर लो ना फ़ोन, जैसे मैं कर लेती हूँ, तो पूरा दिन चलता है। देन इसके बाद फिर मैंने शावर ले लिया था। नाउ वेयर आई एम ऑल सेट, लेट्स गो टू मंदिर, क्योंकि पूजा करनी है। सावन ख़त्म हो गया, बट फिर भी सावन से कोई वो नहीं है, मैं डेली करती थी तो अभी भी करूँगी। तो ये रहे मेरे लड्डू गोपाल, और अब चलते हैं मंदिर भोलेनाथ को जल चढ़ाने। मंदिर से आने के बाद फिर मैंने लंच कर लिया था, और फिर मुझे पता चलता है कि बाहर बहुत अच्छा मौसम है, बारिश हो रही है, तो बस क्या मैं पहुँच गई टेरेस पे एंड ऐसे ही थोड़ा सा इन्जॉय किया। वैसे तो मैं शाल ले चुकी थी, नहीं तो अगर पहले होती ना बारिश, सच में आज मैं बारिश में इन्जॉय करने वाली थी, बट अफसोस नहीं कर पाई, और वैसे भी तबीयत ख़राब होने का भी डर रहता है। फिर मौसम अच्छा था ना, तो मुझे चॉकलेट खाने का मन हुआ, तो बस विंडो ओपन किया मैंने एंड वहाँ पे चेयर लगाई, विंडो से ये व्यू इंजॉय करते करते मैंने चॉकलेट खाई। देन इसके बाद इट्स टाइम टू स्टार्ट स्टडीज़। और यस, वही टारगेट्स करना है जो कि मैंने सुबह बनाए थे, क्योंकि यू नो टारगेट्स ऐसे होते हैं ना फ्रेंड्स, 20 पेजेस 30 पेजेस बोलने में तो आसान लगता है, लेकिन जब पढ़ने बैठो ना तो पता चलता है सुबह से रात हो जाती है इन्हीं 20-30 पेजों में। मेरी बात आप लोग समझ सकते हो, बिल्कुल समझ सकते हो, बिकॉज आप लोग भी पढ़ते होगे, राइट। सुबह से रात हो जाती है, आप उसी पेज पे अटके हो, या फिर बहुत कम हो पाता है, कभी कभी तो एक दिन में एक ही सब्जेक्ट हो पाता है, तो ऐसे करके चीज़ें चलती रहती है। बट हाँ, कुछ भी हो, एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ो, एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ो, एक दिन में आधा सब्जेक्ट पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, पर डेली कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखना है हम लोग को, ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखनी होगी। ओके, कैसा भी हो, कुछ भी हो, पढ़ना है डेली। 4-5 घंटे कहीं नहीं गए, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो तो उस दिन 8-9 घंटे पढ़ लो, पर 4-5 घंटे कहीं नहीं गए डेली के, पढ़ना है तो पढ़ना है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है हम लोगों को। ओके, मुझे भी और आप लोगों को भी। फ्रेंड्स, मैं ना कल जा रही हूँ कॉलेज अपने, बिकॉज़ कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, ग्रेजुएशन हैज़ बीन कम्प्लीटेड, जो भी कोर्स था हो गया ग्रेजुएशन का,
तो अभी मुझे रिज़ल्ट भी लेना है, साथ के साथ जो डॉक्यूमेंट्स होने हैं वो भी लेने हैं। मतलब कब रिज़ल्ट आया था, 1 महीने हो गए मैं कॉलेज आज तक नहीं गई। सोचो मतलब मैंने कभी कॉलेज मतलब रेगुलर वे में मैं गई ही नहीं, बस ऐसे ही जब कभी इंपॉर्टेंट था, जब कभी काम होता था तभी जाती थी। तो कल मैं जा रही हूँ कॉलेज, तो आई एम थिंकिंग कि कल आपके लिए कॉलेज का व्लॉग भी बनाऊँ, आपको भी अच्छा लगेगा राइट, कि हाँ ये मेरा कॉलेज है एंड आपको भी थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें मिल जाएंगी। वैसे तो डेली मेरी बुक्स, मैं और मेरा रूम रहता है, बट या कल मैं सोच रही हूँ कॉलेज का व्लॉग बनाऊँ, आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी। एंड मैं भी थोड़ी सी एक्साइटेड हूँ बिकॉज बहुत दिनों बाद कॉलेज जा रही हूँ, बहुत 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 दिनों बाद। एग्ज़ाम देने गई थी मई में एंड मई के बाद मैं अभी जा रही हूँ। सो या एक्साइटेड फॉर टुमारो एंड येस, मैंने सोच लिया है कि मतलब मैं सुबह उठ जाऊँगी, पढ़ के जाऊँगी, मेरा वो दिन भी मतलब वेस्ट ना जाए, बिकॉज टाइम लग भी सकता है, टाइम नहीं भी लग सकता है। सो आई विल ट्राई कि मैं अगर जा भी रही हूँ तो पढ़ लिख के जाऊँ, अपना जो भी टारगेट्स है करके जाऊँ, ताकि वहाँ पर गिल्ट ना हो, मान लो ज़्यादा टाइम लग गया तो। एनीवेज फिर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं वही नोट्स कर रही थी, अपने विज़न के नोट्स। और पता है फ्रेंड्स ये क्या है ना, एंड टू एंड पूरा लिखा हुआ है, लाइक पैराग्राफ में। आप खुद सोचो, आपके पास एक पेज है ठीक है, उसमें पूरा शुरुआत से लेके आखिरी तक बस लिखा है, नो डायग्राम, नो पैराग्राफ चेंज एंड कुछ भी नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है, बस सीधा से सीधा लिखा हुआ है पैराग्राफ में। तो सोचो कितना बोरिंग लगेगा। तो इसीलिए ना पढ़ते पढ़ते कभी कभी मुझे नींद आ जाती है। आप लोग कहते हो ना कि नींद नहीं आती, ऐसा कुछ नहीं है, आती है नींद। जब भी आपका इंटरेस्ट लूज़ होगा तो आपको नींद आएगी। तो इसीलिए मैंने अभी लैम्प ऑन कर लिया, थोड़ा सा जब लाइट पड़ती है ना आँखों पर तो आपकी आँख खुलती है। तो बस मैं भी कर रही थी, ये था ना कि अब नींद आए, चाहे आए चाहे ना आए, तो करना तो है ही है। मुझे ये था कि करूँगी तो मुझे ही करना है, कोई आके और नहीं कर देगा। दैट्स वाई कीप डूइंग वट एवर आई एम डूइंग, मुझे लगा बस करना है। क्योंकि ना फ्रेंड्स देखो, टाइम जा रहा है, अभी भी मेरा IR बचा हुआ है। ऑल दो GS2 में सिर्फ IR बचा है, इस चीज़ की खुशी है, लेकिन IR बचा है, इस चीज़ का थोड़ा सा मुझे वो भी है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक है। एंड इसके बाद फिर GS3 मुझे शुरू करना है, इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, डिज़ास्टर मैनेजमेंट। GS3 में भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। उसके बाद फिर GS4 एथिक्स भी करना है ना, बहुत 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 सारा कुछ है फ्रेंड्स पढ़ने को। इवन अभी मैं पढ़ते पढ़ते ना थोड़ा सोच में पड़ गई थी कि कैसे करूँगी। देखो सबके साथ होता है, डाउट सबको होता है, सबको होता है, बट यहीं पे हमें स्ट्रांग बनना होगा, अपनी स्ट्रेंथ दिखानी होगी कि डाउट आए चाहे जो आए, रुकना नहीं है, करते रहना है। भले आपको टर्टल वाली स्टेप्स लेने हैं ठीक है लो, बट रुकना नहीं है, करते रहना है। तो यहाँ पे मैं कुछ फ़ोन से गूगल वर्ड्स यूज़ कर रही थी कि क्या उसका मीनिंग है, वही सर्च आउट कर रही थी। देन इसके बाद फ्रेंड्स अभी शाम हो चुकी है ना, आपको पता है अभी शाम का टाइम हो रहा है फ्रेंड्स, और इतनी तेज़ धूप थी ना, जस्ट मैंने आपको दोपहर में दिखाया था कितना अच्छा मौसम था, बट अभी नहीं है। और अभी कितने बज रहे हैं, शाम के 4, अभी धूप आई। अब सोचो कब जाएगी अगर अभी आई है तो। खैर अभी यहाँ पे ये मेरे करंट अफेयर के नोट्स हैं, सोशल जस्टिस करने के बाद नाउ आई एम गोइंग टू डू करंट अफेयर, एंड इसके मैं नोट्स बना रही हूँ। बेसिकली यू कैन सी पूरे नोट्स बने हुए हैं, एंड या सोशल जस्टिस हो चुका है, बता दूँ आपको मैं, जो भी टारगेट था मेरा 20 पेजेस का वो मेरा हो चुका है। नाउ इट्स टाइम टू मेक नोट्स ऑफ करंट अफेयर। तो बट उससे पहले पानी पी लेते हैं, क्योंकि जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू कि वो सोशल जस्टिस पढ़ते पढ़ते मतलब सुबह से मैं जब से उठूँ तब से उसे पढ़ रही हूँ, और मुझे इतनी नींद आने लगी थी, इसलिए मैंने खूब ढेर सारा पानी पिया, एंड नाउ आई एम फीलिंग बेटर। एंड यहाँ पे थोड़ा सा मुझे स्ट्रेस हो रहा था कि कैसे होगा, कैसे लर्न होगा। अभी तो सिर्फ मैंने करंट अफेयर 3rd month का लिखा है, 12 महीने का करना है, मतलब क्या बताऊँ फ्रेंड्स, सबके दिमाग में चीज़ें चलती हैं। सिर्फ आप लोग कमेंट करते हो तो ऐसा कभी मैं सोचूँ कि आपके साथ ही ऐसा है, सबके साथ ऐसा है, हम सब बनो एक जैसे ही हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है बस, बाकी 80% वी ऑल आर सिमिलर टू ईच अदर। तो बस मेरे दिमाग में चल रहा था, बट मैंने उसको इग्नोर किया एंड जो करना था उसको किया। ये लगा कि छोड़ो अभी ये सब मत सोचो, करंट अफेयर कर रही हो करंट अफेयर करो। तो ऐसे आप भी लोग किया करो, दिमाग में आए तो उसको इग्नोर करके जो कर रहे हो उसको किया करो। एंड आई होप अब आप सब लोग भी अपने ट्रैक पे आ गए होंगे, फेस्टिवल गया अब पढ़ाई, और अब देखो जन्माष्टमी भी आने वाला है, तो जन्माष्टमी में भी एक दो दिन यू नो फिर फेस्टिवल वाली वाइफ्स आती हैं, तो हम पढ़ना भी चाहें तो भी नहीं पढ़ पाते। तो जैसे मेरे यहाँ भी काना जी है, तो मेरे लिए भी जन्माष्टमी बहुत 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 स्पेशल है। इवन मैं सेलिब्रेट भी करूँगी, मेरे काना का बर्थडे है, कैसे नहीं सेलिब्रेट करेंगे, सब लोग सेलिब्रेट करेंगे, सिर्फ मैं ही नहीं। एंड या मैं व्लॉग्स भी शेयर करूँगी जन्माष्टमी के, काफ़ी अच्छा लगता है राइट, वो भी बहुत ही प्यारा फेस्टिवल है, बहुत ही प्यारा। सो फ्रेंड्स अभी शाम का 5 बज रहा है, और मतलब मैं सुबह 5:30 बजे से उठी हूँ, और अभी शाम का 5 हो रहा है, 12 घंटे, 2-3 घंटे ही मैंने अपने कामों में दिए होंगे, बाकी मैं पढ़ ही रही थी सुबह से, आपने भी देखा, मान लो 4 घंटे काम में, तो 12 में से 4 गए, तो 6-7 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है मतलब अप्रॉक्स। तो फ्रेंड्स अभी मैं व्लॉग यहीं तक रखूँगी, अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने, कुछ चाय वाय पीने, क्योंकि शाम के टाइम में अच्छा लगता है, फ्रेश फील होता है चाय पीने से।
एंड या दैट वॉज ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आपको ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन फटाफट से मिल जाए. आप इन्जॉय कर लो. बाय बाय. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. मिथिवका लेकने वीडियो के साथ, कॉलेज ब्लॉग के साथ.